हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। देरी किस बात की करनी, और वो भी इतने शुभ काम में। ना 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 भैया, मेरे से नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। भैया क्या आपको ये करना है? ना 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 एग्जामिनर साहब, ऐसा वैसा तो हमको मत समझिएगा। क्योंकि अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये बन जाएगा एक अनसीन पैसेज और आप हमारा नंबर काट लेंगे। हम ऐसा तो नहीं करेंगे। पहले तो हम इन्फॉर्मेशन को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, उसके बाद ही हम आपको क्वेश्चंस के आंसर देंगे। क्योंकि ये क्या है? ये है पजल। जी हाँ, तो पजल को देख करके या पजल का नाम सुन करके आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी आसानी से आप कर ले जाएंगे, ये आप देखिए। चलिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज फेट रेड मोबाइल पीस कैन बी कोडेड एज का ला हो गा ना। प्रिपेयर एंड ऑनर फेट कैन बी कोडेड एज मो टा पा का ना। पीस वैल्यूज हीरो प्रिपेयर कैन बी कोडेड एज जाई ला नी मो। फिर प्रिपेयर वैल्यूज ऑनर फेट इज कोडेड एज जाई मो का टा। ठीक, अब चलिए हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से होंगे, फेट का कोड होगा का, पीस का कोड होगा ला, रेड का कोड या तो हो होगा या तो गा होगा, मोबाइल का कोड होगा या तो हो या तो गा। ठीक है, समझ गए इतना? नाउ प्रिपेयर का कोड होगा मो, एंड का कोड होगा पा, ऑनर का कोड है टा, वैल्यूज का कोड है जाई, हीरो का कोड है नी। ठीक है, चलिए अब फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द कोड ऑफ प्रिपेयर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अरे वेरी गुड, मो, फैंटास्टिक। देखा कितने बढ़िया से पजल आप सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन, What is the code of peace in the given code language? अरे क्या बात है, एकदम दमदार ला कोड है पीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the code of fate in the given code language? Very good, ka is the code of fate. Next, What may be the possible code of ब्लैक रेड मोबाइल। अरे वाह, होगा तो होगा ही, तो क्या होगा इसका कोड? इसका कोड होगा काई होगा। ठीक है, की होगा लिखा होता ना बड़ा मजा आता, लेकिन काई लिख दिया। चलिए नाउ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मे बी द कोड ऑफ वैल्यूज पीस इन द गिवन कोड लैंग्वेज। आंसर है जाइला। ऐसा लग रहा है किसी लड़की का नाम ले रहे हैं, फॉरेनर लड़की का, जाइला। है कि नहीं? चलिए अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी हमने दे दिया, और इस आंसर के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पर हो गया खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, करने दीजिएगा ना। वेरी गुड, रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ
और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।